पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही लोग योग की क्रियाएं भी कर रहे हैं जिससे यह निरोगी बन सके। इसी कड़ी में आगरा के एदमतपुर तहसील पर SDM कोर्ट में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर SDM के साथ सभी अधिकारियों ने योग की क्रियाओं का काम किया। भारत के साथ साथ आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योग किया। इस दौरान आयुष मंत्री और सर्वानंद सोनेवाल भी वहां मौजूद रहे थे। इसके अलावा मोदी सरकार के 75 मंत्री सांस्कृतिक एवं महत्व वाले 75 जगहों पर सामूहिक रूप से लोगों के साथ योगाभ्यास करते हुए दिखे। इसी कड़ी में आज आगरा की एतमातुर तहसील में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपजिलाधिकारी के तत्वावधान में तमाम सारे एतमातुर तहसील के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उतारे और अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को स्वस्थ रखें। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कार्यक्रम को पूरा विश्व स्वागत कर रहा है। जी, एक ऐसा संदेश पूरे विश्व में जा रहा है कि जो भारत की पद्धति है वो एक बार दोबारा से फॉलो हो रही है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो एकदम जाहिर सी बात है कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का एक ऐसा सस्ता सुलभ साधन जिसको कि हम अपने घर पर बैठकर बिना किसी मशीन के माध्यम से उसको कर सकते हैं। तो योग हमारी परंपराओं में जुड़ा हुआ है और इसे हमें अपने अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता भी है और हम लोग उसको प्रयासरत भी हैं। जो लोग घरेलू जीवन उनके लिए संदेश है कि आप अपने स्वस्थ शरीर के लिए कुछ आधे घंटे तो आपको समय निकालने पड़ेंगे और आप 24 घंटे में से अगर अपने स्वस्थ शरीर के आधे घंटे भी नहीं निकाल सकते हैं तो बाकी के दिनों में 23 घंटे आप जो भी काम कर रहे हैं वो उतनी पूर्ण रूप से आपको अब उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो प्रयास हम लोग का ये ना चाहिए कि अपने स्वस्थ शरीर के लिए आधे घंटे के समय जरूर निकालें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें।